जी गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। भाई आज से अपना रेगुलर जिम वाले ब्लॉग चालू है भाई। ठीक है, उठना तो मेरे को वैसे 8 बजे था, मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपना रनिंग वगैरह करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर जिम जाएंगे 1:30-2 बजे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नींद खुली है भाई 11:30, क्योंकि लेट सोया था ना रात को, काम कर रहा था कुछ, 11:30 उठे हैं भाई। अब मतलब 11:30 उठे थे, उठने के बाद आधा घंटा टाइम पास करा तो अब बज गई 12। अब हम कर रहे हैं थोड़ी देर एक्सरसाइज। ठीक है, दिखाता हूँ, देख लो भाई 12:05 होने वाले हैं और यहाँ पे भाई अपना मैट तैयार है भाई एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, तो भाई बस अब एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी देर, फिर अपना फर्स्ट मील लेंगे डाइट वाली जो आज से मैं स्टार्ट करी है, फिर उसके बाद निकल जाएंगे भाई जिम के लिए। भाई एक्सरसाइज में सारी ना ट्रेनर से पूछ आया था। ठीक है, ट्रेनर ने मतलब कल जिम गया था तब उसने बताई थी भाई क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। मैं कहा भाई जिम में तो नहीं करूँगा एक्सरसाइज, घर पे ही कर लूँगा, बाकी जिम में वेट ट्रेनिंग वगैरह कार्डियो वगैरह कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज अपना एक्सरसाइज कर लिए। ठीक है, थोड़ी बहुत, पहला दिन था ना आज, मतलब पहला दिन है आज, तो भाई अब नीचे जा रहे हैं, अब अपनी पहली मील लेते हैं, दिखाते हैं आपको मील में क्या क्या ले रहे हैं। ये आगे भाई अपने ओट्स और पनीर 50 ग्राम। भाई यही सब खाने के लिए बोल रखा है, अब यही सब खाते हैं, फिर क्या करें। पनीर खाने में तो फिर भी ठीक ठाक है, मतलब सही है, खाई जा रही है। और तो भाई ये रहा भाई अपना प्री वर्कआउट, कौन ग्रीन एप्पल फ्लेवर है भाई, मतलब हो गया भाई, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, पहले भी जिम जाता था ना। ये अपना प्रोटीन, ये अंडे भाई अपने नहीं है जैकी के। तो भाई बस अपना प्री वर्कआउट डालते हैं अपने शेकर में और अपना निकलते हैं जिम के लिए। यह हमने ले लिया भाई 1 स्कूप प्री वर्कआउट, देख रहे हो हाथ भी गंदे हो गए सारे। ये भाई अपना प्री वर्कआउट और ये रहा जिम बैग, अपना उठाते हैं और निकल जाते हैं। अब हाँ जी गाइस, भाई अब अपने गाड़ी में बैठ के भाई अब जा रहे हैं जिम। भाई मौसम देख रहे हो, एकदम बढ़िया सा हो रहा है, जेन्युइन मतलब बारिश वाला हो रहा है, बारिश भी हो सकती है, कुछ भरोसा नहीं है। अब अपना पहले जा रहे हैं मारुति की तरफ, मारुति से अपना जो सामान मंगवाया है वो उठा लेते हैं, फिर अपना चलते हैं जिम। और जिम में भाई देखते हैं ट्रेन करते हैं या नहीं करते, कुछ भरोसा नहीं है, बाकी भाई जिम चल के पता लगेगा यार। और वैसे भाई अब 2-3 दिन तो मिक्स ही करवाएगा, अगर ट्रेनर करवाएगा भी तो, और वैसे भी मिक्स ही करनी चाहिए क्योंकि भाई 2-2.5 महीने बाद अब जिम जा रहा हूँ ना, इसीलिए। यार तुम लोग भी कहोगे भाई गाड़ी तो तेरे पास मारुति वो उसकी है किया की और तू मारुति क्या करने गया था। अरे भाई एक मतलब पार्ट था, पार्ट क्या प्राइमर था एक, मेरे को मतलब वही मॉडल चाहिए था और वो ना ऑनलाइन रिटेल में कहीं भी नहीं मिल रहा था, मतलब काफ़ी बड़े बड़े कैन मिल रहे थे उसके, 200 ml वाले, 100 ml वाले, 150 ml वाले, लेकिन मेरे को चाहिए था भाई छोटा 10 ml वाला। तो भाई कल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च करा, बहुत ज़्यादा, उसके बाद भाई मारुति की साइट पे अवेलेबल था, जेन्युइन मारुति जेन्युइन पार्ट्स में। ये देख लो भाई प्राइमर 4298 UV, ये वाला 3 बोतल ऑर्डर कर दी थी, मतलब कम से कम 100 से ऊपर का वो करना था, 45 की एक बोतल थी तो 3 बोतल ऑर्डर करनी पड़ी थी। ये वाला मतलब ये वाला प्राइमर मेरे को चाहिए था, ये भाई सबसे बढ़िया प्राइमर है, सबसे बढ़िया। ठीक है,
एक नंबर का। इसमें मॉडल तो काफी सारे आते हैं, 9.4 भी आता है, 9.8 भी आता होगा शायद, कन्फर्म नहीं, 9.4 तो आता है, लेकिन उससे बेटर है ये वाला। ठीक है जी, ये अपना मतलब वैसे रहता है, कोई गाड़ी के पार्ट पे जैसे टेप वगैरह हम लगाते हैं उससे नीचे, उससे पहले प्राइमर यूज़ करते हैं ना, ताकि जो टेप टेप की जो एडहेशन है वो ज़्यादा बढ़िया निकल गया, मतलब टेप अच्छे से लग जाए उस चीज़ के लिए, तो ये काफ़ी बढ़िया है। रिसर्च करी थी काफ़ी इस बारे में, तब जाके ये करा है, और अब ये वाला पार्ट ले लिया भाई। अब अपना निकल रहे हैं भाई हम जिम के लिए, टाइम हो गया भाई 2:30 बज गई, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है जिम का, बस 10 मिनट के अंदर ये जिम पहुँच जाएंगे। और भाई मारुति में ना जो बंदा था वो महेंद्रगढ़ का ही मिल गया था, अपना हरियाणा का ही, उसने फटाफट काम करा दिया, कह रहा भाई हरियाणा से हो, भाई हरियाणा से ही है, तो फटाफट काम करवा दे। फिर बताया कि महेंद्रगढ़ आता जाता रहता हूँ, ये वो फलान टिमकाना, तो उसने मतलब फटाफट काम करा दिया, मतलब हमारा जहाँ आधा घंटा लगना चाहिए था उसने 5 मिनट में काम करा दिया सारा। पहुँच गए भाई जिम, अब अपना चलते हैं ऊपर। और भाई मौसम देख लो भाई, क्या मस्त केड़ा हो रहा भाई, बारिश वाला मौसम हो रहा है बिल्कुल, गाड़ी गंदी होने वाली है आज वापस। और भाई मेरे को आज ऐसी फील आ रही है कि जिम जैसे बंद है, क्योंकि बाहर से जो ब्लाइंड्स होते हैं ना जिम के, सारे डाउन हो, सारे वैसे होते नहीं है। देख लो भाई जूते चेंज हो रहे हैं अपने, लिए भाई अपने शूज चेंज, बस जिम में ना यही दिक्कत है, पढ़ लेना भाई ये जूते चेंज करने पड़ते हैं भाई, खाली पड़ा पूरा, सिर्फ दो बंदे हैं, ये फ़र्क रहता है इस टाइम पर आने में। और अपना प्री वर्कआउट रेडी कर लिया, अभी शेक कर लेते हैं और फिर अपना कार्डियो करते हैं भाई। अपनी ट्रेडमिल स्टार्ट हो गई है, 5-6 मिनट करेंगे, क्योंकि वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना, ये 5-6 मिनट करेंगे। वो साइकिल है ना पीछे वाली लंबी वाली, खड़े होकर चलाने वाली, वो करेंगे भाई 10-15 मिनट। उस साइकिल का नाम है भाई क्रॉस ट्रेनर, पता है यार वो भूल जाता हूँ ना बीच बीच में, यादाश्त हो जाती है भाई। अब अपने कार्डियो हो गए डन, अब अपना स्टार्ट कर रहे हैं भाई वेट ट्रेनिंग, मतलब मिक्स ही करेंगे आज, एक ये वाली है, दूसरी ये, तीसरी वो, चौथी, मतलब काफ़ी सारी है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। वर्कआउट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गई है, चीटियाँ भी घूम रही है शरीर में। और भाई हमारे ट्रेनर ने भी कह दिया, जो ट्रेनर साहब अपने, उन्होंने कह दिया कि भाई आज मैक्सिमम 5 या 6 एक्सरसाइज करवाएंगे, बोला वेट ट्रेनिंग वाली उससे ज़्यादा नहीं करवाएंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। ठीक है जी, चल रही है ये वाली हाइपर एक्सटेंशन, बहुत खतरनाक है भाई। अभी तो 5 रैप करे हैं इसके भाई, कमर की ऐसी ऐसी होगी भाई बिल्कुल। और एक हमारी जिम वाली मैडम भाई रोमांटिक और सैड सॉन्ग चला रही है, रोमांस करने आए हैं। एक तरफ सारी भाई हाइपर एक्सटेंशन ने ना एस्थेजी कर दी भाई, ये देख लो कमर बेंड होगी मेरी, दिखाऊं, ये देख लो भाई दब रही है ना अंदर, कमर बेंड होगी भाई। भाई अभी तक कर ली 5 एक्सरसाइज, सबसे पहले करी थी भाई चेस्ट प्रेस ये वाली, ठीक है, दूसरी करी थी भाई, नहीं तीसरी करी थी, दूसरी करी थी वे वाली भाई, क्या नाम है इसका, नाम नहीं पता लग रहा भाई, अभी ट्रेनर आएगा तो बताता हूँ, इसका नाम है भाई लैट कोल डाउन। फिर ये करी थी तीसरी भाई, चौथी करी थी वो हाइपर एक्सटेंशन, और पांचवी करी थी भाई ये शोल्डर प्रेस है ना, शोल्डर प्रेस है भाई। अब छठी एक्सरसाइज करने के लिए भाई
ट्रेनर ने कह दिया ऊपर चल। भाई पहला दिन है, ट्रेनर ने कहा था कम एक्सरसाइज करवाऊंगा, देख रहे हो पसीने कैसे निकल दी। प्लैंक करवा रहा था भाई, कह रहा 30 सेकंड तक ऐसे ही रहे और 3 सेट करने थे भाई, ऐसे ऐसी हो गई। अब भाई मैंने कहा कि भाई ट्राइसेप बाइसेप करवा ले, कह रहे नहीं एब्स वाली करो। अभी एब्स वाली करेंगे भाई, 15x3 15 रैप करने भाई, 3 सेट भाई। एब्स वाली भी कर ली भाई, ट्रेनर ट्रेनर था नहीं भाई जो मैं एक्सरसाइज करवा रहा था, उसी भाई से अपना वीडियो शूट करवा रहा था। इनको यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो खुद ही एक्सरसाइज करने आए हैं। ठीक है, कमर झुक चुकी भाई पूरी, देख लो, समझ रहे हो ना बात, कमर ख़त्म है भाई, ख़त्म मतलब दर्द हो रहा थोड़ा बहुत। अब अपना चलते हैं नीचे, क्रॉस ट्रेनर करते हैं और साइकिलिंग करते हैं, फिर अपना घर चलेंगे। आ गया भाई क्रॉस ट्रेनर पे, हमारे ट्रेनर ने कह दिया भाई एक्सरसाइज खत्म, अपना कार्डियो करो भाई। 10 मिनट हो गए पूरे, 120 कैलोरीज बर्न कर ली भाई और 1300 मीटर साइकिलिंग चला दी, 1300 मीटर साइकिलिंग चला दी भाई। करेंगे भाई साइकिलिंग ये वाली भाई, अब ये वाली साइकिलिंग करेंगे भाई, भाई ये वाली साइकिलिंग करेंगे 5 मिनट बाद फिर अपना निकल लेंगे घर के लिए। 2.25 घंटे हो गए जिम में, तो होगी भाई अपनी साइकिलिंग कंप्लीट। टाइम देख लो भाई 10:40, जिम वालों का टाइम भी ख़राब चल रहा है अभी तो। भाई अपना ट्रेनर ही नहीं दिख रहा, मैंने कम से कम थैंक यू तो कर दूँ भाई को, भाई ने वीडियो बनाने में हेल्प करी है ना। तुम लोग गाड़ी सुनो अंदर कैसे गाड़ी चल रही है, रुक जाओ। बताओ यार वर्कआउट के टाइम ये गाने सुने जाते हैं, कोई दमदम वाले गाने सुने जाते हैं यार। कोई नहीं, आज हेडफोन लाना भूल गया अपने, कल से ले गया हूँ, देख रहे हो आज 1 किलो वजन कम हो गया भाई। आगे भाई अपना जिम करके, कराया भाई जिम, कमर बेंड करवा के आ गए, अब चलते हैं भाई अपने घर। ठीक है जी, घर पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट नॉर्मल बैठेंगे अपना, रेस्ट करेंगे, उसके बाद भाई प्रोटीन लेंगे, फिर अपनी डाइट लेंगे। अपना आ गया जिम से घर, वो अपना चलते हैं अंदर भाई, पहले प्रोटीन लेते हैं फिर नहाएंगे फिर डाइट लेंगे भाई। पसीने से आ रहे हैं, स्मेल सी हो रही पूरी बॉडी में, बदबू आ रही है आज, पहली बार मेहनत करी है। और ले रहे हैं भाई अपना प्रोटीन, भाई ये फ्लेवर है आइकन आइसोलेट कैफे मोका, ले लेते हैं भाई एक स्कूप। प्रोटीन ना ये वाला भाई जब से आया है ना दूसरी बार ले रहा हूँ, और कम से कम भी इसको आया हुआ 4 महीने हो गए भाई। आपने स्प्राउट्स बन रहे हैं देख लो भाई। ठीक है, अब नहाने चलते हैं, नहा के आते हैं फिर अपना स्प्राउट्स खाते हैं, फिर सैलेड, ग्रीन सैलेड।